महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मजूरी में आज ग्रामीणों ने एक युवक की लाश को लेकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जाम को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद उग्र परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा और परिजनों को समझा बुझा कर लाश को अंतिम संस्कार के लिए भेजा। मौके पर पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। 20 दिसंबर की शाम पनियरा थाना क्षेत्र के मौलानागंज मजूरी नहर मार्ग पर संदिग्ध परिस्थितियों में बुलेट सवार गुलशन साहनी की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि गुलशन की मौत अज्ञात वाहन की ठोकर से हुई थी, लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या हुई है। बुधवार की शाम खून से लथपथ गुलशन घायल अवस्था में परिजनों को मिला, जिसके बाद उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज सुबह मृतक गुलशन की लाश को लेकर परिजन और ग्रामीणों ने पनियरा मजूरी मार्ग को जाम कर दिया और गुलशन की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए जाँच की मांग की। जब परिजनों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो ग्रामीण और परिजन उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा और मृतक गुलशन के लाश को अंतिम संस्कार के लिए भेजा। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के चाचा के तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, उसकी भी गहनता से जाँच की जा रही है। स्ट्रीट बस के लिए महाराजगंज से धर्मेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है, क्या मामला, क्या हुआ है? मेरा नाम सूरज है। कल मेरा भाई गुलशन रात को 7:30 बजे से हम लोगों के घर से वहाँ से निकला और उसके फोन पे कॉल आया कि कल खाना खाने जाना है शाम। उसके बाद वो खाना खाने के लिए निकला। उसके बाद आधे घंटे के बाद हम लोगों के हमारे साथ एक लड़का था, उसके मोबाइल में फोन आया कि गुलशन का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हम लोग वहाँ का पैदल दौड़ के पहुँचे तो वहाँ मामला देखे तो मामला बहुत गंभीर था और वहाँ लोगों से पूछने पर पता चला, कह रहे हैं कि हम नहीं जानते और जिनके घर के सामने हुआ वही फोन करके बताएं। फिर वो कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है। बताइए आप, वो घर के सामने थे और उनको फोन करके हम लोग को बताया भी और कह रहे हैं कि मामला नहीं पता है। मैं यही चाहता हूँ कि और यहाँ पर हम लोग लेके आए तो देखिए यहाँ पे लाठीचार्ज कर दी पुलिस ने हम लोग पूरी भीड़ पे। और उसके बाद मैं यही चाहता हूँ कि क्राइम ब्रांच की तरह से पूरी अच्छी तरह से जाँच हो। ये थाना पनियारा अंतर्गत बैदा खास के पास 20 दिसंबर की रात्रि में गुलशन नामक व्यक्ति की अज्ञात वाहन के टक्कर से गंभीर चोटें आई। बाद में उनके परिवारजनों द्वारा इलाज के लिए उसे बीआरडी कॉलेज गोरखपुर रेफर किया करवाया गया था। कल 21 तारीख को गुलशन की इलाज के दौरान डेथ हो गई है। उनके परिवारजन चाचा की तहरीर पर एक्सीडेंट के धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कराया गया। आज 22 तारीख को सुबह उसके कुछ परिवारजन बाहर से आने वाले थे, लेकिन परिवारजन व गांव के कुछ लोगों द्वारा अचानक जाम लगाने का प्रयास किया गया। परिवारजनों को समझाया गया है, सबको अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जाँचों उपरांत जो भी चीज़ें निकल के आएगी उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे।